राम भाई साहब भाई ने भाई मैं ढोलिया पहलवान गांव गोठड़ा जिला तरखी दादरी भाई रेसलिंग का यू सेंटर खोल रखा है। देख रहे हैं आप लोग माय यूट्यूब फैमिली, कहाँ हूँ मैं? जन्नत। असली दुनिया तो यही है यार। बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद ऐसी जगह आया हूँ। आप देखिए मेरे पीछे खेत है, खेतों के बीच में हूँ। आवाज़ सुनिए, कुछ नहीं, सिर्फ चिड़िया की आवाज़ और थोड़ी बहुत गाड़ियों की आवाज़। सो अब हम जा रहे हैं। भाई रेसलिंग का ये सेंटर खोल रखा है। ये गांव गुआंड आसपास के बालक हैं, मकड़ानी ते हैं, संतोखपुरा ते हैं, गोठड़ा ते हैं, मराणा ते हैं, मोड़ी ते हैं। दिन रात भाई अपनी मेहनत कर लाग रहे हैं, देश सेवा सोच रखी है इनने। फिर भाई मन्ने भी आगे देश आगे चल के हम देश की सेना में हर डिपार्टमेंट में जॉब करा और नाम कमावा। इससे पहले मैं उसकी खातिर दिन रात और अपनी स्पोर्ट्स जो फिजिकल फिटनेस है उस खातिर दिन रात ये मेहनत करने लग रहे हैं। आज हमारे दौर ये स्टेट के डिस्ट्रिक्ट के प्लेयर हैं, ये नेशनल इंटरनेशनल होंगे। जैसे यो हेमंत है भाई, स्टेट लेवल का प्लेयर है। योगेश स्टेट लेवल का प्लेयर है। विनय है, सचिन है, और ये छोटे बाल पहलवान मोंटी टिंकू, ये स्टेट लेवल के बच्चे हैं भाई। डिस्ट्रिक्ट में इन्हें बहुत बढ़िया रिजल्ट दिया है और भविष्य में मास ला रहे हैं, आगे चाल की और बढ़िया रिजल्ट देंगे। तो मैं इन और भाई सब जितने भी चाहने वाले हैं, जितने भी कुश्ती प्रेमी खेल प्रेमी, तो हमारा ये मकसद है भाई ये देश खातिर अपना अच्छे खिलाड़ी बने और देश का नाम रोशन करा आगे चल के भविष्य में ये उज्जवल भविष्य बनाने खातिर लाग रहे हैं अपना, और मैं भी इनके साथ लाग रहा हूँ। मारा खेला खातिर तन मन धन ते जिस भी सेवा मेरे तो है खिलाड़ियों से प्रार्थना है कि ये भी भाई अपना नेम टेम से जो कि हमारा टेम है भाई सुबह 4-5 बजे का, 4 से 5 बजे का, शाम ने भाई 3 से 4 बजे का नेम टेम तो अपना खाड़ा मावें, अपनी प्रैक्टिस करें और अपना भविष्य बनावें। मेरा तो मैं तो दिल से जुड़ रहा हूँ, आत्मा से जुड़ रहा हूँ। ये जितने भी बच्चे हैं और भी कई बच्चे मेरे खिलाड़े भर्ती भी हुए हैं भाई, ये हाल फिलहाल खाड़ा में भी रहे हैं, न्यून न्यून भी प्रैक्टिस करे हैं। मैं तो उन खातर भी भगवान से प्रार्थना करूँ हूँ कि वह भी अपनी मेहनत करें हैं, उनमें सफलता मिले उनमें और रोज़गार मिले। क्योंकि रोज़गार के बगैर एक खिलाड़ी एक बच्चा अधूरा रह जाए, अपने आप ने वो कोसी जाए सारी उम्र। तो ये एज है इन बच्चों की, तो इनका तो भविष्य ही हाल फिलहाल यूँ मान लो आके आने वाला है। ये तो इन पर ये मेहनत करांगे हम, ये भी ये मेहनत करेंगे। बच्चे हैं, नादान है, समझदार इतने हैं नहीं। हम इन गाइड करांगे, अच्छी गाइड करांगे तो समय के साथ ही बढ़िया रिजल्ट देंगे। और ज़्यादा ना कहते हुए भाई ऐसे ये प्रार्थना करूँ हमें तो भाई, खूब खेलो, खूब पढ़ो, आगे बढ़ो, नाम करो अपने माँ बाप का, अपने गुरु का, अपने देश का, अपने राज्य का। तो ये इन शुभकामनाओं के साथ
पहलवान या खिलाड़ी या स्पोर्ट्समैन हैं, आप सब आके भाई इन बच्चों के मेरे साथ मिलके ना इन बच्चों का उज्जवल भविष्य हो जा, इन भाई दिन दुगनी रात चौगुनी इन कामयाबी मिल जा। तो आप आओ, आपका स्वागत है। जितने भी आस पड़ोस के गांव गुआंड के जितने भी पहलवान हैं, जितने भी खिलाड़ी हैं, जितने भी आर्मी में है या स्पोर्ट्स में किसी भी स्पोर्ट्स में है, आप आओ, हमारा सहयोग करो। आपसे सबसे यही अनुरोध है, गांव गुआंड के दर्शक हैं, खिलाड़ी हैं, खेल प्रेमी हैं, सबका स्वागत है। किसी भी प्रकार की अगर कोई प्रैक्टिस में कमी आपने लग गए है तो आप मेरे साथ मिलके उस कमी ने हम काटने की कोशिश करेंगे। आप आओ, आप सबका सहयोग, आप सबका साथ जरूरी है। ये प्यारे प्यारे बच्चे हैं, इनका उज्जवल भविष्य और इनके जो एक आगे चाल की लाइफ है वो सब इनका की सेट हो, ये खूब खुश रहे, इन जॉब मिले। तो भाई सब सहयोग करो, सब मिलके इन आगे बढ़ाओ जितना हो सके। इस वीडियो ने भाई आगे पहुँचाने की कोशिश करियो, ये खिलाड़ी और खेल का है। ज़्यादा ज़्यादा इस वीडियो ने शेयर करो तो ताकि भाई और भाइयान भी बेरा लग गए भाई, उरे कुश्ती का, रेसलिंग का और भाई स्पोर्ट्स का, यो दादा भैया खड़ा गोठड़ा में सेंटर है, सब भाई इस वीडियो ने शेयर करियो। और ज़्यादा ना कहते हुए भाई ऐसे ये प्रार्थना करो हमें तो भाई, खूब खेलो, खूब पढ़ो, आगे बढ़ो, नाम करो अपने माँ बाप का, अपने गुरु का, अपने देश का, अपने राज्य का। तो ये इन शुभकामनाओं के साथ भाई सब भाइयों ने, सब मेरे ये प्यारे प्यारे बच्चे हैं इन, और भाई सब ने राम राम भाई।